यार ये पहाड़ की हाइट कैसे नापे जाए? क्या मेजरिंग टेप हमें इसमें मदद कर सकता है? बहुत दिक्कत है यार, कैसे मेजर करेंगे मेजरिंग टेप से? क्या मैथ्स की दुनिया में मुझे जवाब मिल सकता है? जी हाँ, आपको इन सवालों के जवाब बिल्कुल आसानी से मैथ्स दे सकता है। हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। मैं राहुल कुमार मिश्रा आज आपको इन जैसी बड़ी बड़ी दिक्कतों को छोटा बनाने का एक आसान सा जरिया बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, हम इन जैसी दिक्कतों से निजात पाने के लिए एक मेथड का यूज करते हैं। उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जी हाँ, ये बेस्ड है एक प्रिंसिपल पे जो कि वर्क करता है सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स के ऊपर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम पहले सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स के ऊपर। इस चैप्टर के खत्म होते होते तक आप इन प्रॉब्लम से निजात पा जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल कंसेप्ट क्या है इनके पीछे का, कैसे हम हाइट पहाड़ का निकाल सकते हैं या कैसे हम अर्थ से मून तक की दूरी को निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप समझने वाले हैं इस चैप्टर को। कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने का नहीं है, अपुन है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ रहे हैं सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स क्या होती है, सिमिलर फिगर्स किन्हें कहते हैं हम। ठीक है, तो आपने 9th क्लास में एक टर्म पढ़ा होगा कंग्रुएंसी। कंग्रुएंसी का मतलब क्या होता था स्टूडेंट्स? कंग्रुएंसी का मतलब होता था जो फिगर्स होते हैं वो कंग्रुएंट कब होते हैं? जब उनका शेप जो हो वो सेम रहता है और उनका जब साइज भी क्या हो सेम रहता है, तब हम क्या बोलते थे वैसे फिगर्स को, हम क्या बोलते थे? कंग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था 9th क्लास में। तो कंग्रुएंसी क्या होता है, शेप भी सेम और साइज भी सेम रहता है उनका, कुछ अलग नहीं रहेगा। मतलब साइड्स तीनों ही इक्वल है, ये वाले इससे इक्वल है, ये वाले इससे इक्वल है और ये वाले इससे इक्वल है। एंगल्स भी इन तीनों के एंगल्स, रिस्पेक्टिव पोजिशंस वाले जो भी एंगल्स है सब क्या है, सेम है। रिस्पेक्टिव साइड्स भी क्या है, सेम है। इस फिगर को हम बोलते हैं कंग्रुएंट फिगर। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं सिमिलर पे। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? सिमिलर में क्या होता है, शेप तो सेम रहेगा, फर्क पड़ जाता है साइज का। साइज जो होता है वो स्टूडेंट्स वो प्रोपोर्शनल हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, इसका रेडियस है अभी 2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसे 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तिगुना कर दिया, तो ये हो गया। देखिए शेप दोनों का सेम है क्योंकि दोनों सर्कल है, और साइज क्या है इसका, तिगुना है, मतलब प्रोपोर्शनल है साइज दोनों का। ठीक है, और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक स्क्वायर लिया, फोर सेंटीमीटर, और एक छोटा स्क्वायर ले लिया 2 सेंटीमीटर। देखिए हर एक साइड स्क्वायर का क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये 4 डिवाइड बाई 2, सारे साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? सारे साइड्स का रेशियो 2 आ रहा है। ठीक है, दिस डिवाइड बाय दिस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। दिस डिवाइड बाय दिस साइड 2 आ रहा है। दिस डिवाइड बाय दिस साइड 2 आ रहा है। दिस डिवाइड बाय दिस साइड 2 आ रहा है। सारे साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो वैसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल ले लिया कुछ ऐसा, ये एक रेक्टेंगल हमने लिया, ठीक है, ये है आपका 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब हमने एक दूसरा रेक्टेंगल लिया, ठीक है, क्या है ये 2 सेंटीमीटर, इसे हमने 8 सेंटीमीटर ही रहने दिया। ठीक है, देखिए ये तो सिमिलर है, ये भी सिमिलर है पेयर, ये पेयर क्या सिमिलर है बताइए आप, क्या ये चीज, ये देखिए शेप तो सेम है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, बात खत्म।
ये चीज क्या यहां लागू हो रहा है स्टूडेंट्स? क्या इस रेक्टेंगल को हमने छोटा किया है तो क्या ऑल साइड से छोटा किया है? नहीं किया। हमने क्या किया है? हमने दो साइड्स को तो सेम साइज का ही रहने दे दिया ना। रेशियो ऑफ दिस बटा दिस वन आ रहा है, रेशियो ऑफ दिस बटा दिस वन आ रहा है, लेकिन दिस बाई दिस साइड टू आ जा रहा है रेशियो, दिस बाई दिस साइड टू आ जा रहा है रेशियो। दो साइड्स का रेशियो बाकी दो साइड से मैच नहीं खा रहा है, क्या दिक्कत है? सारे साइड्स का रेशियो, रेस्पेक्टिव रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? ए बी सी डी, और यहां पे मान लीजिए एक्स वाई जेड और डब्ल्यू कर देते हैं। क्या होना चाहिए था स्टूडेंट्स कि ए बी, ए बी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू बी सी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू डी सी अपॉन डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू ए डी अपॉन एक्स डब्ल्यू। ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, तब जाके हम बोलते कि हाँ ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ए बी बाई एक्स वाई नॉट इक्वल टू हो जा रहा है बी सी अपॉन वाई जेड। उसी तरह बी सी अपॉन सी वाई जेड, बी सी अपॉन वाई जेड नॉट इक्वल टू हो जा रहा है सी डी अपॉन डब्ल्यू जेड। उसी तरह ये बाई ये नॉट इक्वल टू हो जा रहा है ये, देख लीजिए कहां हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। यही चीज तो मांग ही रहा है कि सारे साइड्स के रिस्पेक्टिव रेशियोज, रिस्पेक्टिव रेशियोज ऑफ साइड्स, रिस्पेक्टिव साइड्स, रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी पॉसिबल है कि ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसीलिए ये सिमिलर नहीं हुए। तो फर्क समझ में आ गया सिमिलर साइज के हिसाब से। एक और तरीका है, अब एंगल पे भी बात होता है, एंगल पे भी सिमिलैरिटी बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, टू सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, बगल में हम एक रोम्बस बना दे रहे हैं, देखिए साइड्स सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये दोनों सिमिलर है? नहीं है सिमिलर, शेप अलग हो गया ना स्टूडेंट्स, शेप सेम चाहिए सिमिलर के लिए, शेप अलग हो गया। कैसे अलग हो गया? क्योंकि देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, हर एक एंगल स्क्वायर में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। रोम्बस के साथ तो ऐसा नहीं है, ये एंगल कुछ और 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 है। ये चारों एंगल्स 90 डिग्री रोम्बस के केस में तो नहीं होते हैं। तो बात सिंपल है, स्क्वायर और रोम्बस सिमिलर नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से हम पकड़ते हैं कि कौन सा फिगर सिमिलर होता है या कौन सा फिगर डिसिमिलर होता है। सिमिलैरिटी फिगर्स का आप समझ चुके हैं, कंग्रुएंसी के बारे में आप समझ चुके हैं। कंग्रुएंसी में क्या होगा, साइज भी सेम, शेप भी सेम रहना चाहिए, हर एक एंगल सेम रहता है रिस्पेक्टिव। ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल। फिर रिस्पेक्टिव साइड्स भी सेम रहने चाहिए, ठीक है, कंग्रुएंसी का ये कंसेप्ट है। लेकिन सिमिलैरिटी का क्या है, शेप सेम होगा, साइज प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ये एक ये बढ़ता है बराबर रेशियो में, इसका भी साइज घटेगा बराबर रेशियो में सब तरफ से। यहां पे भी घटना चाहिए था सब तरफ से बराबर रेशियो में, लेकिन ये घटा नहीं, इसीलिए ये डिसिमिलर रह गया, ठीक है। और ये भी है, अगर आप एंगल भी अनइक्वल दिखा दिए तो फिगर कहां रहा सेम शेप में, एंगल ही देखिए, एंगल यहां पे अलग अलग हो गया, शेप बिगड़ गया फिगर का, ये स्क्वायर है ये रोम्बस है, सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है। फिर साइज के प्रोपोर्शनैलिटी पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है, जब शेप ही बिगड़ गया तो वही गेम ओवर हो गया। ओके, नोट कर लीजिए इसे, ये था सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स का कंसेप्ट। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस करने में एनसीईआरटी के। तो स्टूडेंट्स आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल को डिस्कस कर लें, आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। एबीसीडी और पीक्यूआरएस दो पॉलीगन्स है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज, दोनों का शेप देख लीजिए, शेप सिमिलर है, शेप पता चलता है एंगल से, ठीक है। शेप देख लीजिए, शेप सिमिलर है, हाँ है 105, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है कि नहीं, 105 105, 100 100, 70 70, 85 85, सिमिलर है,
शेप सिमिलर है। अब दूसरा चीज क्या देखना है आपको, साइज। साइज का मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। चलिए आइए देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम करना। हमारा ए बी का और पी क्यू का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, वो आ रहा है 1.5/3 मतलब 1/2, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं बी सी का और क्यू आर का, ठीक है, रेशियो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 2.5/5, ये भी आ रहा है 1/2। फिर चलिए हम चलते हैं सी डी पे और आर एस पे, ठीक है, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 2.4/4.8, ये भी आ जा रहा है हाफ रेशियो। उसके बाद आते हैं हम डी ए पे और एस पी पे, ठीक है, 2.1/4.2, ये भी आ गया हमारा 1/2। स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो भी इक्वल है, और हम पहले ही देख चुके हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है, एंगल डी इक्वल टू एंगल एस है, ये तो पहले ही देख चुके हैं हम, ठीक है हियर। और हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल आ गया, सबका रेशियो हाफ आ रहा है, मतलब हमने इसे बराबर साइज से डबल किया है, हमने हर साइड से इसे डबल किया है, इसका मतलब यही ना हुआ, बराबरी से हमने बढ़ाया है इसका साइज हर तरफ से। तो क्या हमने कंसेप्ट मिला हमें स्टूडेंट्स यहां पे, कि फॉर टू पॉलीगन्स, पॉलीगन्स का मतलब स्टूडेंट्स दो साइड से ज्यादा होता है, जिस फिगर में तीन साइड से उससे ज्यादा होते हैं उन्हें पॉलीगन्स बोलते हैं। ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है जिसके चार साइड्स होते हैं, पेंटागन भी पॉलीगन है, हेक्सागन भी पॉलीगन है, इन्हीं पॉलीगन्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर टू पॉलीगन्स टू बी सिमिलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल कंसेप्ट, इसे नोट कर लीजिएगा। फॉर टू पॉलीगन्स टू बी सिमिलर क्या सीखा हमने, पहला देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को तो इक्वल होना जरूरी है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब स्टूडेंट्स फिगर जो सेम से जो सेम सिमिलर दिखते हैं ना उनका, जैसे मान लीजिए ये एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसी को बोलते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, फिर होता है एंगल सी इक्वल टू एंगल आर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, फिर उसी तरह डी और एस भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे ना वो इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और दूसरा क्या है स्टेटमेंट, दूसरा है कि रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब स्टूडेंट्स ए बी पी क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, बी सी और क्यू आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, डी सी और एस आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, डी ए और एस पी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या आ रहा है, सबका इक्वल आ रहा है, देख लिए, मतलब हमने हर एक साइड को, इस पॉलीगन के हर एक साइड को बराबरी से यानी कि डबल किया है। PQRS में क्या है, सबका साइड लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया, तो हमने डबल किया, इस साइज को डबल कर दिया है हमने, बाकी एंगल्स तो सेम है, दो केस है, सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, पॉलीगन्स टू बी सिमिलर होने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है पॉलीगन के लिए, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स बहुत इजी हैं, मैं तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि आप इसे क्लियर करने वाले हैं। सिमिलर हैं ये दोनों पेयर्स, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, साइड्स चारों इक्वल इसके भी है, साइड चारों इसकल इक्वल इसके भी हैं, एंगल्स भी देखिए सारे 90 डिग्री, एंगल्स भी सारे 90 डिग्री, स्क्वायर है दोनों, क्लियर हो गया। अच्छा क्या ये दोनों सिमिलर है, जी हाँ बिल्कुल सिमिलर है, सारे एंगल्स इक्वल है, पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया पॉलीगन का। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है पॉलीगन के सिमिलर होने का, कि सारे साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो AB अपॉन PQ का रेशियो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 3/3.5, उसी तरह BC अपॉन RQ का भी रेशियो क्या आ रहा है, 3/3.5, उसी तरह DC अपॉन SR का भी रेशियो क्या आ रहा है, 3/3.5,
फिर सिमिलरली डी ए अपॉन एस पी का रेशियो क्या आ रहा है, 3:3.5, रेशियो भी सेम है, तो मतलब स्टूडेंट्स ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है। ओके अच्छा अब आते हैं इस पे, ये दोनों क्या सिमिलर है कि नहीं, ठीक है। तो पहला चीज साइज जो है प्रोपोर्शनल है, बी सी अपॉन एस आर 1/2, बी सी अपॉन आर क्यू 1/2, ए बी अपॉन पी क्यू 1/2 ये भी हो जाएगा, फिर ए डी अपॉन पी एस 1/2 ये भी हो जाएगा। फर्क कहां आ गया स्टूडेंट्स, फर्क आ गया एंगल पे, ये स्क्वायर है और ये रोम्बस है, क्लियर। ये मैंने बता दिया एग्जाम्पल में, पहले ही बता दिया है, हर एक एंगल यहां का कितना है 90 डिग्री, और यहां पे कुछ और है, यहां पे तो 90 डिग्री है ही नहीं ना। तो पहला क्राइटेरिया क्या था सिमिलर होने का दो पॉलीगन्स का, कि एंगल सारा कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल टू ये होना चाहिए था, ये एंगल इक्वल टू ये होना चाहिए था, ये एंगल इक्वल टू ये होना चाहिए था, ये एंगल इक्वल टू ये होना चाहिए था, तब जाके ये दोनों फिगर सिमिलर होते, यहां तो वैसा कुछ है ही नहीं, तो नो सिमिलर, नॉट सिमिलर, दीज आर डिसिमिलर, नोट कर लीजिए इसे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। होप है कि मुझे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स को लेके। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, उससे सेलेक्ट करना है हमें। अब बोल रहा है ऑल सर्कल्स आर कंग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। स्टूडेंट सारे के सारे सर्कल्स कंग्रुएंट होते हैं, कंग्रुएंट का मतलब क्या होता है, शेप तो सेम रहेगा, सर्कल ही रहे तो सबका शेप सेम है, साइज भी क्या सब सर्कल का सेम होगा, जरूरी है नहीं ना। तो सारे सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है, बड़े छोटे हो सकते हैं ना सर्कल्स, तो सिमिलर होते हैं सारे सर्कल्स। कंग्रुएंट का मतलब होता है साइज भी सेम, क्या सबका साइज सेम ही रहेगा, क्या रेडियस सबका 5 ही सेंटीमीटर रहेगा फिक्स्ड, नहीं ना। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर आर कंग्रुएंट, अब ये भी हो जाता है, स्क्वायर तो शेप तो स्क्वायर सबका है, क्या साइज भी सबका सेम, मतलब साइज भी सबका सेम होगा, क्या कंग्रुएंट हो जाएगा सारा का सारा स्क्वायर, नहीं हो सकता है, कोई स्क्वायर बड़ा होगा कोई स्क्वायर छोटा होगा, रेशियो उनका सेम रहेगा, ठीक है। तो साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा हमेशा, तो वो सिमिलर हो जाता है, ठीक है। साइड्स का रेशियो हमें हमेशा सेम रहना है किन्हीं भी दो स्क्वायर्स का, ठीक है, लेकिन कोई दो स्क्वायर जरूरी नहीं है को कंग्रुएंट हो, कंग्रुएंट होने का मतलब है कि साइज भी सेम होगा, ओके अच्छा। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अच्छा सिमिलर ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस वाले ट्रायंगल सिमिलर होते हैं आपस में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, थोड़ा सोचिए। आइसोसेलेस में क्या जरूरी है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर ही रहे हमेशा, आइए एक एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल हम एक उठाते हैं, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल साइड्स, ठीक है, दो इक्वल साइड्स होते हैं उसमें, चलिए 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का हमने उठा लिया, ओके, और ये उठा लिया हमने 4 सेंटीमीटर। अब हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल उठाया, ठीक है, जो कि है 2 सेंटीमीटर, चलिए 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और ये आ गया कुछ 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, मान लिया हमने। अब देखिए क्या देख रहा है यहां पे, यहां पे दो साइड्स इक्वल हैं, दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा, लेकिन जो थर्ड साइड का रेशियो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, 3/4 इसका और इसका रेशियो, 3/4 इसका और इसका रेशियो, लेकिन इसका और इसका रेशियो कुछ और आ जा रहा है, इसका और इसका रेशियो 4/6 आ जा रहा है, 2/3 आ जा रहा है। मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, मतलब जरूरी नहीं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स सिमिलर ही हो, उसी तरह आप एंगल का भी पैमाना ले सकते हैं। मान लीजिए आपने दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स लिया ऐसा कुछ, तो ये एंगल अभी है मान लीजिए 30 डिग्री, ठीक है, फिर आपने कुछ ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया जिसमें ये एंगल है 40 डिग्री और ये एंगल है 40 डिग्री, एंगल भी तो अनइक्वल हो सकता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बीच में, तो ये तो सिमिलर जरूरी नहीं कि होगा हर केस में, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल तो फिक्स्ड है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना होता है हर एक एंगल, 60 डिग्री होता है, साइज में बस फर्क आएगा, तो रेशियो ऑफ साइजेस क्या हो सकता है, प्रोपोर्शनल रह सकता है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा,
इक्विलेटरल, आप देखिए ये जैसे मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका हर एक एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो पहचान है हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। अब साइड्स भी तो इक्वल होता है, जैसे मान लीजिए इसको हम 3 कर दिए, इसको हम 4 कर दिए, बाकी सब भी 3 ही रहेगा इक्विलेटरल में। मतलब इसका बाय इसका रेशियो कितना आ गया, 3/4 इज इक्वल टू इसका बाय इसका रेशियो, मतलब 3/4 इज इक्वल टू इसका बाय इसका रेशियो, मतलब 3/4। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स या पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होते हैं, ठीक है। इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां फिल किया गया, जरूरी नहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का पेयर क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नोट कर लीजिए इसे। अब लास्ट का तो थ्योरम एक तरह से बना दिया था मैंने। देखिए, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कब होते हैं वो सिमिलर, जब देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या, एंगल्स सेम रहना चाहिए, पढ़ लिया है हमने ये, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रहता है या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। इक्वल हो जाएंगे तब तो, अगर इक्वल एंगल्स हो गए और इक्वल साइड्स हो गए तब तो कंग्रुएंट हो गया हो, लेकिन यहाँ सिमिलर बोला जा रहा है कि पॉलीगन्स को, दो पॉलीगन्स को सिमिलर कब बोलेंगे, जब उनका हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, पहला कंडीशन तो ये, और जब उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो या रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। अच्छा, टू डिफरेंट एग्जांपल्स अब दूसरे क्वेश्चन में मांग रहा है फॉर पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स का, इसमें दो एग्जांपल बताना है। तो पहला एग्जांपल बता दीजिए सर्कल्स का, और दूसरा पेयर आप बता सकते हैं स्क्वायर का, बड़े छोटे स्क्वायर का, बस। और नॉन सिमिलर फिगर्स में क्या बता सकते हैं, नॉन सिमिलर फिगर्स में आप बता सकते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या हो जाता है, रोम्बस और स्क्वायर का पेयर हो गया, लीजिए हो गया एग्जांपल खत्म, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, इसको हमने दो दफा कर लिया है, बताइए आप ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं। अरे कहां से होंगे, ये रोम्बस है, ये स्क्वायर है, शेप ही अलग हो गया, खेल खत्म, एंगल ही अलग है, P इक्वल टू A हो रहा है, नहीं होगा, Q इक्वल टू B हो रहा है, नहीं होगा, R इक्वल टू C हो रहा है, एंगल नहीं हो रहा है, S एंगल इक्वल टू D हो रहा है, नहीं हो रहा है, वहीं खत्म हो गया खेल, पहला ही स्टेटमेंट हमको नहीं फुलफिल हो पा रहा है, एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग सेम होना चाहिए, एंगल सारे अलग है, खेल खत्म। नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1 ट्रायंगल चैप्टर का खत्म होता है। होप है कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से दे दिए हैं, जो भी कुछ ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेरी करिएगा। और देर सवेर मैंने मैथ्स स्टार्ट कर दिया, देरी के लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। जो भी बच्चे पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कॉन्सेप्ट जितने भी टफ लगते हैं मैं उनको प्रॉमिस करता हूँ आसान कर आपके सामने परोसूंगा, ठीक है। जो चीज ना समझ में आया करे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा जरूर करें कमेंट, इस बारे में भी लाइक करें अगर अच्छी लगी तो, और शेयर करें जम भर, ठीक है। जितना हो सके उतना शेयर करें, जितना हो सके उतना फैलाएं, जितना हो सके उतना मुझे आप सपोर्ट करें, ठीक है। मेरा भी एक ग्रोइंग चैनल है तो मैं आपके सपोर्ट के बिना तो बढ़ नहीं पाऊंगा। और अपना ध्यान रखें, खाते पीते बिंदास रहिए, मस्त मौला घूमिए, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, टेक केयर।